जो यहाँ चैन से सांस ले रहे, एक खुशहाल जिंदगी जी रहे, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को जाता है। एक, हमारे जवान जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, और दूसरे, हमारे किसान जो खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हम भूखे ना रहे। मैं दिव्या दत्ता आप सभी का इस शो पे स्वागत करती हूं जिसका नाम है स्त्री शक्ति, और आज हम जय जवान जय किसान के नारे के एक पहलू से रूबरू होंगे। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। मिट्टी से सोना उपजाता, कहलाता जो अन्नदाता, धूप ठंड हो चाहे बारिश, इसे कोई रोक ना पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों की, लेकिन स्त्री शक्ति में किसान भाई कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हमारी आज की स्त्री शक्ति एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हम किसान भाई के नाम से तो संबोधित नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने काम तो किसान भाइयों वाला ही किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं स्त्री शक्ति किसान चाची की। आइए मिलते हैं इनसे, लेकिन उससे पहले एक नजर उनके जीवन पर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की राजकुमारी देवी, जिन्हें हम किसान चाची के नाम से भी जानते हैं, आज पूरे देश के किसानों के लिए मिसाल हैं। इन्होंने ना ही अपने लिए बल्कि अपने जैसे कई परिवारों के लिए रोजगार के तरीके इजाद किए। खेती से लेकर अचार बनाने तक इन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। राजकुमारी देवी उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जिनके पास कुछ कर गुजर जाने का जज्बा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी स्त्री शक्ति राजकुमारी देवी जी उर्फ किसान चाची। हमारे यहाँ जोर की जप्फी के साथ स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप? बहुत ही ठीक है। कुछ बताएं अपने बारे में। जब अपने माता पिता के यहाँ हम जन्म लिए जी, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था जी। और कहाँ की हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिले में ही ससुराल हुआ और नैहर भी मुजफ्फरपुर जिले में। अच्छा, तो मेरे माता पिता के साथ जो थे तो बहुत ही अच्छा थे जी। जब हमारी शादी जब हुई तो उसके बाद हमारी कठिनाई आने लगे। इसलिए कठिनाई आने लगा कि हमारे सास मर गए थे जी। तो हमारे ससुर शादी किए, और अपना शादी करने के बाद साल भर के बाद वो अपने लड़के के शादी किए। दूसरा बात है, उनकी शादी हुई तो उनको मैंने दो लड़का हो गया और हमको नहीं हुआ। 10-12 साल हमको बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, तो बच्चा ना होने पर एक स्त्री को बहुत खराब माहौल होता है, जिसको बच्चा नहीं हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो ये भी हमको दुख झेलना पड़ा। उसके बाद जब हुआ तो हमको लड़के हुआ, कुछ दिन के बाद फिर लड़का हुआ, फिर हमको लड़की हुई। तो इससे परिवार में कुछ दब दृष्टि से हमको लोग दिखने लगा, क्योंकि लड़की हुई जी। तो दो लड़की, हमको एक लड़का हुआ, तो इसलिए ससुराल में हमको तो कठिनाई। ऐसा नहीं लगा कि ये आपकी गलती नहीं है, शायद आपके पति की वजह से हो? देखिए, दोनों के तरफ से होता है, लेकिन दूसरे घर की लड़की रहती है, इसलिए लड़की पर लोग दबाव ज्यादा देता है, अपने परिवार का जो लड़का रहता है उस पर दबाव नहीं मिलता है जी। काहे कि वो तो उनका है, हम तो दूसरे का है जी। तो इसलिए हमको कठिनाई आने लगा। उसके बाद में जब दूसरी वाली जब लड़की हुई तो हमारे परिवार में पूरा बौखलाहट हो गया, ये सबका शादी कैसे होगा, ये सबका पालन पोषण कैसे होगा। तो वो लोग हमको बांट दिए। बांट दिए, बंटवारा जैसे नहीं होता है जी, जी। जे बच्चे के साथ, माने हम पति के साथ हमको अलग कर दिए हमारे ससुर सास। तो हमको काफी कठिनाई हुई। तो दुख जब कठिनाई रहता है तबे कोई आगे बढ़ने के लिए सोचता है। तो बंटवारा हो गया तो हम अपना खेत में काम करने लगे, तीन बच्चे थे उनको पालन पोषण के लिए अपना काम करने लगे। तो खेती ही हम किए। आपके पति भी साथ में खेती? हाँ, वो भी जब बंटवारा हुआ तो जो ही खेत था उसमें पति भी, हम
दोनों आदमी काम खेते का काम करने लगे जी, अपने से पूरा काम करना, उसको रोपना, काखी तोड़ना, जो भी काम खेत का है सब अब किए। उसके बाद में जब किए तो हम सोचे जब व्यापारी से आप बेचिएगा तो उसको कम रेट मिलेगा। बिल्कुल। तो हमको पैसा नहीं था तो स्टेट बैंक से लोन लिए और एक दुकान गुमती होता है, गुमती तरह का, उसी में खैनी उपजा करके या अपना काट करके बेचने लगे। तब खेत का काम हम करते थे और दुकान का काम बाहर जा करके रोड पर खैनी बेचना ये काम करते थे। किसान मेला लगा, उसमें अपना उत्पाद को जो पेपर में निकलता था कि सबसे अच्छा जो फल सब्जी जिसको पास में होगा उसमें प्रदर्शनी में लगाने के लिए, तो आपको प्रदर्शनी में लगाने, तो किसान मेला में जैसे पेपर में निकलता था हम सुनते थे तो हम जरूर उसमें अपना प्रोडक्ट्स को लेकर पेपर पढ़ती थी। आप जी पढ़ी लिखी हैं? जी हम कितना किए हुए? अरे वाह, अच्छा जी। जब हमारी शादी हुई थी उतना पढ़े नहीं थे, अच्छा सातवां पास थे। अच्छा। उसके बाद में जब शादी हुई कठिनाई होने लगा, बच्चे अभी नहीं हुए थे जी, मायके जाकर के जी हम मैट्रिक किए। अच्छा, वहाँ जाकर मैट्रिक? जाकर मैट्रिक किए। ससुराल में करने नहीं देते थे? नहीं, उतना साधन नहीं था जी, और वही नैहर जाकर के अपना मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद फिर यहाँ पर चले आए, मैट्रिक के बाद ही बच्चे लोग हुए तीन। तो उतने वक्त आप ससुराल गई ही नहीं, कि जाती रहती थी? जाती रहती। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन परीक्षा उरीक्षा पढ़ाई लिखाई वहीं से हुआ जी। तो मायके वालों ने खूब साथ दिया आपका? जी, इसलिए कि हमको कठिनाई हुआ इसलिए पिताजी हमारे शिक्षक थे जी। अरे तो शिक्षक की बेटी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो वो हमारे पढ़ाई पर ध्यान दिए कि पढ़ लेगी तो कुछ ना कुछ काम करेगी, लेकिन काम हम तो किए नहीं। हमको बंटवारा जब हो गया तो उसके बाद में साधन नहीं था तो हम खेती ही करने लगे। बंटवारा जब हुआ तो हमारे ससुर ऐसे किए कि जो अच्छा जमीन था सो वो अपने लिए और हमारा जो बंजर जमीन था जो वही हमको दिए। तो बंजर जमीन पर खेती कैसे की आपने? उसको जैसे खड़ उड़ का खेती था ना, खड़ था जी, तो उसको खेत को तमा कोड़ा करके उसको उछटनी कह करके उसके बाद से जैविक खेती हम करने लगे। उसमें पहले खेती किए तो उसमें ज्यादा नहीं पहले बार हुआ जी, तो उसके बाद में हरी खेती का उसमें मूंग का खेती करके उसको उलट करके फिर ढैचा का खेती उसमें करके 85 दिन पर ढैचा उलट दिया। मैंने अपना परिश्रम जैविक प्रशिक्षण में हम लोग पूसा यूनिवर्सिटी हमको लोग बुलाया, खेती से संबंधित हम ट्रेनिंग लिए और कैसे खेती किया जाता है, तो उसके बाद में उस खेत को तो हम अच्छा बना लिए। तो आपके पति भी साथ में खेती? हाँ, वो भी जब बंटवारा हुआ तो जो ही खेत था उसमें पति भी हम दोनों आदमी काम खेते का काम करने लगे जी। तो बहुत लोग जैसे हम जाति में भुइयां रहते हैं तो पहले लोग बहू का बहुत प्रथा था पर्दा देने का। ज्यादातर बहुएं जो होती हैं वो घर में रहती हैं, घर का काम संभालती हैं या जैसे आप कह रही हैं कि पर्दा रखती हैं। तो आपने बिल्कुल जोर से जाकर एकदम ट्रेनिंग की और आपने साइकिल चलानी सीखी, आप एग्जीबिशंस पर गई, ये सब कैसे? मतलब ये कि हम खेती जब करने के लिए चले जी, तो जब हम खेती कर रहे थे बहुत लोग हुआ जो महिला खेती कर रही है तो लोग देखने के लिए हमको आए, तो हमारे पति का रोक था कि तुम नहीं जाओ। अच्छा, मतलब सब में एक महिला खेती करती नजर आती? हाँ, उन लोगों को खराब लगा जे अच्छे घराने की महिला अपने से सब काम कर रही है। आप पति जब कहीं निकलते थे तो आपके पत्नी को देखे हैं खेत में काम कर रहे थे, इनको भी खराब लगता था, रहने दो हमारा जैसे होगा तैसे हम करेंगे। लेकिन हम किसी का बात नहीं माने, हमारे ससुर हमारे पिताजी को माने बुलवाए कहे कि बांट दिए इसका मतलब नहीं है जो प्रतिष्ठा बांट ली है, आपकी लड़की खेत में जाकर काम करती है। हमारे पिताजी बोले, हम तीन भाई हमारे थे, तीनों भाई नौकरी में थे, पिताजी भी नौकरी में थे, तो लोग हमको बहुत समझाए कि बंटवारा हो गया है तुमको कुछ कठिनाई नहीं होगा, तुम घर में रहो, तुम्हारे तीन बच्चे का हम लोग पालन पोषण करेंगे, से तुम खेत में नहीं जाकर करो, हमारा भी प्रतिष्ठा जाएगा यहाँ का भी प्रतिष्ठा। लेकिन हम किसी का बात नहीं माने, काहे कि हमको बहुत उदाहरण था गरीबी का, तो सबको ही हमको समझाता था, तो भी हम रात को करते थे, जब शाम हो जाने पर। रात को खेती करती थी जी, जैसे अब मकई हम लगाए हुए हैं जी, तो मकई का खुटी मारना होगा, खुटी जो पौधा होता है, तो हम शाम को जब लोग नहीं रोड पर चलता था तो उसको जाकर कर लेते थे, तब भी लोग आते थे देखने। हाँ, तो भी सवेरे उठ करके भोरे से 4 बजे भोर को पहले वहां का काम करके फिर चलाते वापस, जो अपना घर का खाना पीना बनाना बच्चे को, और जब शाम को जाते थे तो वो हमको छोट खटोली था उस पर तीनों बच्चे को उस पर रखते, हम अपना काम करते थे। ये तो खैनी बेचकर 8 बजे रात को आते, तब तक ले हम खेत में बच्चे को रख करके, ताकि हमको डर भी था कि कहीं सांप गुजर काट लेगा जी जी जी, तो उसको उस खटोली पर रख करके
अपना काम करते थे और कोई मदद नहीं थी आपके पास। जी नहीं, इसी तरह करते करते तो पूरा खुलेआम हम खेत में कार्य, तब हमको पर्दा उर्दा का जरूरत नहीं था, कहे कि कोई भी कहा हम पर्दा से नहीं रहे, तो हमको था कि हम जरूर खेत में काम करेंगे, हमारा सब्जी बिकेगा, हमारा खैनी बिकेगा, तो हमको दूगो पैसा आएगा, तो इसलिए दिन रात हम खेत में काम करने के लिए पूरा बेचैन बेचैन, हमको कभी बुझेबे नहीं करता था कि नींद आ गया। अच्छा, तो किसान चाची आप हमें ये बताएं कि हमने सुना कि आप अचार भी बहुत अच्छे बनाती थी। ऐसा है कि किसान जैसे लोन लेकर, कृषि से लोन लेकर खेती करते हैं, उनका खेती जैसे कभी आलू का खेती किए पल्ला पड़ गया, आलू बर्बाद हो गया, गेहूं का हुआ, धान का हुआ सुखाड़ हो गया, धान बर्बाद हो गया, माने धान का फसल अच्छा नहीं हुआ जी। तो उस किसान को मौगत हो जाता है कि कैसे लोन सधाएंगे, क्या करेंगे, तो वो बेचैन बेचैन हो जाते हैं, मरने का मौगत भी हो जाता है। हम में जो हम खेती किए उसी का प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन का काम, तो पहले तो ये सब काम करते हुए अपना काम किए, उसके बाद में ब्लॉक में आया कि स्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो बीपीएल नंबर का जो महिला या जेंट्स हैं उनका ग्रुप बनाना, तो जो हम काम कर रहे थे एक्टिव महिला थे काम करने के लिए, चाहे कोई बात पूछे तो हम उससे उनको बता देते थे, तो वहाँ से हमको हुआ कि आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइएगा तो महिला को कुछ जागरूक कीजिए, महिला जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाए, तो उसके द्वारा अपना खेती किए और उसका ट्रेनिंग ले करके प्रिजर्वेशन का काम किए। आलू खराब भी हो जाएगा पल्ला भी पड़ जाएगा तो भी तो आलू हमारा होगा, बिल्कुल, तो उसका चिप्स बना लिए। क्या बात, तो जिस समय आलू हुआ तो 10 रुपये या 5 रुपये किलो बिकता है, उसका चिप्स हम बना लिए तो 100 रुपये किलो हो गया, तो मतलब नुकसान नहीं आप होने नहीं होने थी, अगर कुछ खराब हो गया तो उसको प्रिजर्व करके या किसी और तरीके से। किसान का घाटा इसलिए होता है कि जिस समय किसान अपना उपज करता है उस समय मार्केट में रेट मंदा रहता है जी, उसका बिचौलिया उसका मुनाफा कमाता है, जैसे कोई व्यापारी हुआ उस सामान को खरीद लिया और उसके घर में स्टॉक करने का जगह है, वो स्टॉक कर लिया, जिस समय महंगा हुआ उस समय वो बेच करके वो डबल मुनाफा करता है। किसान तो इस तरह करता नहीं है, क्या कि किसान खेत में लगाया उसका पैदावार हुआ उसी समय सोचता है कि ये बेच करके कैसे ये काम करें, तो किसान को तो हमेशा खेती से घाटा ही घाटा होता है, तो इसलिए हम सोचे कि प्रिजर्वेशन का काम करें। तो जैसे हम ओल ज्यादा लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, गोभी का भी अचार बनाते हैं, गाजर लगाते हैं, गाजर का भी अचार। आप लाई हैं अचार, हमें अचार बहुत पसंद, ये तो नहीं कहा गया था तो हमें। बहुत प्यारी बहुत सादी हैं आप हमारी बहुत प्यारी किसान चाची, जहां चाह वहां रहा, और हमारी किसान चाची ने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। उन्होंने ना केवल खेती करना शुरू किया बल्कि जहां 1970 में तंबाकू की खेती हुआ करती थी वहां लोगों को आम केले लीची और सब्जियां उगाने के लिए जागरूक किया। कैसे किया उन्होंने ये सब जानते हैं स्त्री शक्ति के इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी राजकुमारी देवी जी ने लोगों को फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित किया, तो आइए जानते हैं उनसे कि ये सब इन्होंने किया कैसे। जी, फल और सब्जी उगाने के लिए जैसे तंबाकुल का खेती किए उसमें सब्जी लगाए, और फल में जैसे आम हुआ, कटहल हुआ, अमरूद हुआ, पपीता हुआ, केला हुआ, इतना ही का माने हम फल में लगाए हुए हैं। आम का जैसे अचार बनाते हैं, लीची का भी अचार बनाते हैं। लीची का अचार? जी जी, तो हमने आज तक नहीं सुना। हाँ तो बना लीजिए, लीची जो अधपकु होता है चाइना का नहीं बनता है, शाही का बनता है, उसी समय उसको गुठली से निकाल करके और उसमें सब मसाला दे करके बनाया जाता है जी। उसका रस जो निकलता है उसको छान लिया जाता है तब बनता है। केला तो फल में बिकने के लिए, जैसे पपीता हुआ पपीता का जैम भी हम बनाते हैं। अच्छा। अमरुद का भी जैम बनाते हैं, अमरुद का इसका जैम बनाते हैं। मार्केट में जो लोग जैसे खाने के लिए बनाते हैं तो जिसका जैसा चॉइस देखते हैं कि कैसे ज्यादा बिक गया तो उसी तरह का उस चीज का बनाने का अपना। तो लोग माने कैसे कि हम इन सब्जियों की खेती करेंगे? आइए, तो आप चाहती थी कि तो पहले तो हम अपने खेती किए जी, तो लोग जैसे कोई चीज नया होता है तो लोग को उत्साह होना जाता है कैसे वो करती है तो देखने चले, तो वो लोग हमारे यहाँ अकेली करती थी बस। जी, हम अकेले करते थे जी। फिर थोड़ा वही समय मिलता था तो पति का साथ था, और बच्चे लोग तो छोटे छोटे थे तो वो भी लोग खेत में जाकर के अपना पढ़ाई के बाद अपना वो भी लोग करते, तो वो लोग देखने के लिए आते तो कहते थे कि हमारे यहाँ भी कहिएगा। बहुत सी महिला ऐसी हैं काम काज करके बैठी रहती है
थोड़ा आइएगा। जब आप ये सबको कह रही थी कि भाई खेती करते हैं सब्जियां, तो उन लोग तो कहते होंगे हम नहीं करते, बट उन्हें आपने कैसे मनाया? जेंट्स लोग तो करते ही थे, करते ही थे। हाँ, हल्का फल्का माने करते ही थे, ले महिला नहीं करती थी। अच्छा। लेकिन महिला को जेंट्स को समझा करके जी, जो आप कर रहे हैं, आपको आज मुजफ्फरपुर जाना होगा तो उस दिन तो आपका काम बंद हो गया, तो आपको तो घाटा हुआ। आज महिला जब करने लगेगी दुगो लेवड़े लेकर अपना काम वो करेगी, तो आपका काम तो बंद नहीं हुआ उस दिन का, माने ये नहीं ना हुआ जो आज हम नहीं थे तो हमारा काम नहीं हुआ। महिला आपके साथ रहेगी तो आप न भी रहिएगा तो काम होगा। बिल्कुल। तो उनको हम समझा करके प्रभावित करके, और महिला लोग को कहे कि अब खाना बना लेते हैं, भरगरी घर में रहते हैं, एक आदमी के कमाने से तो पूरे लोग का परिवार का पालन पोषण नहीं होगा, आप भी कुछ कीजिए जी। इतना ना प्रभावित हो गई कि सब महिला अपना घर से निकल करके अपना काम, दूसरे का काम, मवेशी के लिए गाय भैंसी जो महिला पोस रही है उसको देखिएगा, सब महिला अपने से दूध दुहती है। अरे दूध अपने से दुहती है, काहे कि उसको खिलाना, पति लोग हैं जो भी पति हैं उतना साथ नहीं देते हैं, सवेरे खाना पीना हो गया, खा लिए, चौक पर चले गए। महिला को घर का भी काम देखना और बाहर का भी, मवेशी का भी, बच्चे को तैयार करना, ये सब काम महिला तो बहुत काम करती है, लेकिन समाज में महिला का काम का मान्यता नहीं रहता है। होता है कि घर में है तो अपना कर रही है, लेकिन क्या क्या कर रही है, सवेरे 4 बजे भोर से लेकर रात को 8-9 बजे रात तक, कितना महिला काम करती है। अच्छा, महिला किसान के लिए आपने क्या किया? महिला किसान के लिए पहले जो भी सरकार का जो कृषि से यंत्र जो था सब पुरुषों को मिलता था, महिला को नहीं, लेकिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री 50% आरक्षण दिए। अच्छा। आरक्षण देने के बाद भी महिला उतना बाहर निकलने के लिए नहीं तैयार थी, लेकिन हम उनको समझाए कि जब आरक्षण दे रहे हैं तो जेंसे को सब चीज मिल रहा है, आप लोग किसान है, आप लोग उसको भरिए, आप लोग को मिलेगा तो आपका नाम होगा कि हाँ महिला का नाम, कोई भी सामान पति का रहेगा तो कहेगा कि कोई गलती हो जाएगा तो बाप करने से लाई है, लेकिन महिला का जब हो जाएगा तो उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उस महिला को मान सम्मान बढ़ेगा, तो उन लोग को हम समझाए तो बिहार में 50% यंत्र जो है सो महिला के नाम से मिलता है। ये आपने शुरुआत करवाई। वैसे देखा जाए तो सुनने में आता नहीं है ऐसा कि महिला किसान है, हमेशा हम एक मर्द को ही किसान मानते हैं। लेकिन अब जो भी कहीं देखिएगा मीटिंग जो होगा, किसान भाइयों और बहनों देखिएगा, लोग कहेगा किसान भाइयों का, जेंट्स लोग नौकरी करते हैं तो 5 आदमी से कहे कि चलिए ना चाय पी लेने के लिए, महिला कोई भी महिला नौकरी कर रही है कभी नहीं कोई महिला को कहेगी चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं, कोई दुकान पैसा नहीं खर्च करने के लिए चाहती। अच्छा, कृषि से संबंधित महिला को लोन मिलता है, जेंट्स को मिलेगा तो 4 गो उनके साथी समाज आज तोरा लोन इतना मिलता होगा कर्जा आज हमसे खर्च करिएगा, जेंट्स को कहता है। हाँ। वो 200 रुपया बैंक से निकालेगा तो 200 खर्च कर देगा, और महिला को जो उसके नाम से जो लोन मिलता है एकदम अच्छा से वो अपने घर ले आते, उसमें से 10 रुपया भी नहीं खर्च करती है। अच्छा जी। तो इसलिए महिला जो है जेंट्स को लोग मानता है, लेकिन महिला जो है सो धन को अच्छा से रखती है, माने पैसा रखे हुए भी आज कितना हो मांगेगा नहीं है हमारे पास। अब आपने सबके सामने कह दिया, आप तो झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा, मैंने सुना आपका एक और तीसरा नाम भी है, साइकिल चाची, तो अब ये कैसे नाम पड़ा आपका? पहले तो वही नाम था, बाद में किसान चाची हुआ। वो लोग देखने के लिए आते तो कहते थे कि हमारे यहाँ भी कहिएगा, बहुत सी महिला ऐसे ही है काम काज करके बैठी रहती है, थोड़ा आइएगा। तो हम उन लोग के यहाँ गए तो पहले गांव देहात में गाड़ी का सुविधा नहीं रहता है, तो यहाँ से पैदल जाना, पैदल उधर से आना, भर दिन का हमारा समय लॉस हो जाता था जी। फिर अपना काम रात को करना पड़ता था, इसलिए हमको जागरूक हुआ मन में, हम सोचे कि साइकिल चलाते तो जरूर उनके यहाँ जल्दी पहुँच जाते, फिर वहाँ से जल्दी आ जाते जी। तो इसी दौरान में हम साइकिल सीखे। पर सुनिए, साड़ी में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे मेरा एक किस्सा याद आता है, हम लोग शूटिंग पे गए थे किसी गांव में राजस्थान में, और मेरा शूट के टाइम का बीच में टाइम फ्री था, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी और साइकिल था किसी का, तो मुझे शौक चढ़ा कि मैं जरा गांव देखकर आती हूँ साइकिल पे, आपकी तरह ही मैंने सोचा। तो तब आता था मुझे साइकिल चलाना, लेकिन साड़ी में मैंने कभी नहीं चलाया था, तो वो जो मेरा पल्लू एक अटका साड़ी में, साइकिल में उसके पहिए में, वो अटकता अटकता मतलब मैं भी गिरी,
साइकिल भी गिरा और सब देख रहे थे कि ये तो एक्ट्रेस साइकिल पे साड़ी में उल्टी गिरी हुई है। तो उसके बाद मैंने साड़ी पे कभी कोशिश नहीं की चलने की, तो आपने इतनी कैसे कोशिश की? लेकिन हम तो साड़ी में सीखे, हमारा भी साड़ी फटा गिरे, ठेवना में चोट भी लगा। कितनी उम्र की थी आप जब? आप 40 से ऊपर थे तब साइकिल सीखा, क्या बात है। तो उसी तरह हम साइकिल सीख लिए, जब हमको चलाने जब आ गया बड़े वाला साइकिल तब हम लेडीज साइकिल खरीदे। सुनिए, मैंने आज तक किसी भी महिला को साड़ी में साइकिल चलाते देखा नहीं, मेरे बहुत तमन्ना है। आप लोग इंटरनेट है ना, उसमें गूगल है, साइकिल चलाते हुए सारा हमारा प्रक्रिया उसमें होगा। अच्छा, थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बताइए। बड़ी वाली बेटी जो 83 में हुआ जी, उस समय हमारी आमदनी कम थी, तो उसको मैट्रिक पढ़ा करके उसी साल शादी कर दी। बेटा फिर बीए किया, और उससे छोटी वाली जो लड़की है तो वो एमसीए अभी वर्तमान अगस्त में फर्स्ट ईयर से पास की है एमसीए, तो वो पढ़ रही है। हाँ, बहुत अच्छा, पढ़ ली है। काम भी जो हम करते हैं उसमें अचार उचार के लिए वो भी काम करती है और पढ़ती भी, पढ़ती भी है। बहुत अच्छी बात। बहू और बेटी घर पर है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला लोग आती हैं जी, उसके साथ ही अचार बनाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ बताएं आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बिहार सरकार का वो प्रोजेक्ट अथि था, स्व जनती ग्राम स्व रोजगार योजना, उस समय बीपीएल नंबर का जो महिला या जेंट्स है उसका ग्रुप बनाना। हम लोग मतलब ये आप कैसे इकट्ठा हुए, आपने कैसे सोचा कि मैं ये करूं? तो वो पेपर में निकला, ये सब आपने पेपर से? हाँ, पेपर में निकला था कि ये ग्रामीण विभाग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए। तो ब्लॉक में हम गए, कहेंगे कैसे ग्रुप बनता है। ग्रुप बनाने के लिए इसलिए हम सोचे कैसे महिला लोग इकट्ठा करके तो हम खेती का काम करा लेते, लेकिन ग्रुप जब बना लेंगे तो उसमें था जो ग्रुप बनाना, उसमें अध्यक्ष सचिव चुनना, 10 महिला के नाम पर से खाता खोलना, उसमें जब सरकार का अच्छा ग्रुप चलेगा तो उसमें अनुदान मिलेगा, 2.5 लाख रुपया मिलेगा, ये सब पैसा का ज्यादा उसमें ब्यौरा था। तो हम सोचे कि फ्री में महिला लोग को कहते हैं खेती करने के लिए, तो वो लोग का भी पैसा न रहेगा तो कैसे करेगी। तो वही सेल्फ हेल्प ग्रुप हम 36 बनाए, उसमें 360 महिला हमारी हैं। उसमें हम सोचे कि जैसे एगो ग्रुप बनाइएगा राम का बनाइएगा, उसमें कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई बाबा जी है, फिर दीजिएगा ना तो मीटिंग कराइएगा 10 महिला का जी, तो कहेगी कि उन्हें ना जाएंगे, उन्हें ना, उधर बैठो, तुम बैठो। देखो होता है ना, जाति पर भी लोग अथी करता है, इसलिए हमको इतना माने दिमाग में हमको जो है ना अपने माने कुछ बात का उत्सुकता माने अपने दिल में। अब इसमें मुश्किल क्या आई आपको? हमको मुश्किल ये हुआ कि जब महिला के यहाँ ग्रुप बनाने के लिए गए तो उसमें जाने आने में उसके जेंट्स कहे कि क्या करेगी, पैसा बैंक में जमा करेगी, ये लोग खा जाएंगे। तो उसको बहुत सबूत दिलाना पड़ा, उसमें कहे कि हम आपका पैसा कैसे खा जाएंगे, आप समझिए इस बात को, इसी महिला में से अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष चुनाएगा, उसी के नाम से वो बैंक में खाता होगा, हम उसमें आपको पैसा ब्लॉक से दिलाएंगे, जिला से दिलाएंगे, तब आप लोग खेती कीजिएगा चाहे कोई रोजी रोटी का काम कीजिएगा। तो वो सब मान गई, जिस जाति का वो महिला थी उसी जाति का हम ग्रुप बनाए। वो बकरी गाय भैंसी सब पोसने के लिए दूसरे आदमी से लेकर के वो पोसती है, जैसे होता है ना है, जे आपका गाय है हम पोसेंगे तो तिहल्ला उसमें से हमको आमदनी होगा, एक हिस्सा हमको होगा, दो हिस्सा मालिक को होगा, उस तरह का पोसती थी। तो हम कहे कि आप लोग ग्रुप बनाइए, हम सरकार से आप लोग को लोन दिला करके बकरी का गाय का भैंसी का ये सब लोन दिला देंगे। आप लोग ये सब किसने, सब पेपर तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक खुद का भी एक होता है एक शौक होता है कि मुझे ये करना है। तो आपको क्या लगता था कि मैं अचार भी बना रही हूँ, मैं खेती भी कर रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद अचार बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले किया। तो हम सोचे कि हर घर में अचार बनता है, 100 में 100 आदमी के यहाँ अचार बनता है, थोड़ा बने बहुत बने लेकिन 100 में 100 आदमी के यहाँ अचार बनता है। महिला लोग को खराब भी नहीं लगता है जो कौन अच्छा काम करेगी कौन बुरा करेगी, सबके घर में अचार बनता है। वो माने घर से ही सीखी हुई है कि अचार बनाना चाहिए, ट्रेनिंग हो गया तो मात्रा का भी जानकारी हो गया जी, मात्रा कितना उसमें पड़ेगा सो, इसीलिए हम अचार का काम किए और हमारा अचार आगे तक लिए बढ़ गया है। चलिए कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आपका अचार खाने का हमें एक बहुत प्यारा सा मौका जल्द मिले। राजकुमारी देवी ने अपने परिवार को संभालने के लिए अपनी जमीन में जो काम शुरू किया वो मजदूरी नहीं था, वो किसान की तरह उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह किया, और जो सब लाभ होना चाहिए ब्लॉक से या सरकार की ओर से उस लाभ को उसने अपने लिए लेने में जरा भी देर नहीं की।
उसके बाद उन्होंने साइकिल पर चढ़ के गांव-गांव जाके महिलाओं को जगाने लगी कि आप अपने खेत की किसान खुद बनिए। और किसान चाची प्रसिद्ध हो गई हैं, उनके करने से बिहार में जागरूकता आई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति। किसान चाची, आपको कैसा लगता है इतना प्यार इतना सम्मान आपको मिलता है? हम तो पहले काम करते थे तो हमको उतना नहीं अनुभव था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन हम 2010 में हम उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खेती को और प्रिजर्वेशन का काम जो करते हैं अचार जहाँ तहाँ देते थे तो देखने के लिए आए। जब हम कहे कि आप आगे चलिए सर ऐसे, तो कहते कि नहीं किसान चाची आप आगे बढ़िए और आपके मार्गदर्शन पर हम पीछे से जाएं। उस समय हमको लगा कि सचमुच में 50% आरक्षण दिए उसको निभा रहे हैं कि महिला आगे बढ़ेगी उसके पीछे हम पीछे पीछे चलेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े चलिए चलते हैं इनके गांव और बात करते हैं वहां कुछ लोगों से। हमें काफी खुशी होती है कि ऐसी महिला मेरे पंचायत की है, खुद साइकिल पर चढ़ के और अगल बगल 10 गांव 20 गांव में घूम घूम के औरतों को जागृत करती है। किसान चाची से हम लोग सीखे हैं अचार बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए। पहले तो औरत लोग खेती नहीं करती थी ना, उनको देख के देखा लोग कि उनके घर में बहुत ज्यादा बदलाव आया तो देख करके और औरत को लगा कि ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। उनके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ वो हैं वहाँ से और आगे बढ़ें ताकि कुछ नई नई जानकारियाँ लेकर बाहर से आएं और हम लोगों को दें ताकि हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ें। और अब वक्त है एक ऐसे मेहमान को बुलाने का जो ना केवल राजकुमारी देवी के लिए खास है बल्कि अगर वो ना होते तो शायद इनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत इन खास मेहमान का। आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो किसान चाची, आप मुझे अपने पति का नाम बता रही थी? नहीं, हम अपने पति का नाम कहीं भी नहीं बताते हैं, हम लिखित में देते हैं। लिखित में देते हैं, लेकिन हम आपके पति का नाम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अवधेश कुमार चौधरी जी का। जी तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर अपनी पत्नी के बिल्कुल पास बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि पहले इन्होंने आपको डांटा कि क्या आप मतलब यहाँ आ गए और फिर पांव छू दिए, कैसा लगता है सर? बैलेंस लाइफ। हाँ तो कैसा लगा अपने पति से मिलकर? अच्छा लगा, हम तो सोचे थे कि हम यहाँ पर अकेले हैं जी, और यहाँ गए तो अच्छा लगा। हो गया, ये आपको बात करने देती है क्या? क्योंकि पूरे शो के दौरान मुझे बहुत मेहनत करके इनको रोकना पड़ता है फिर अपना सवाल बोलना पड़ता है, तो आपको बोलने देती है घर पे? बोलने तो देती ही है थोड़ा सा, लेकिन बाद में। बाद में पर बात सही करती, ये बात तो है। साइकिल चलाना सीखी तो आपने रोका इनको? सुना उस समय गांव में कोई साइकिल चलाता नहीं था स्त्री में जी, और ये साइकिल सीख ली जी, और उसमें भी जेंट्स साइकिल से जी, बहुत मुश्किल काम जी, जी। तो हमको बहुत बुरा लगा कि भाई ये साइकिल क्यों सीख रही है। अच्छा, आपको बुरा लगा? बुरा लगा कि सब देखेंगे जी, देखेंगे जी। उसके बाद में साइकिल से निकलने लगी तो और बुरा लगा और लोग भी बुरा कहते थे। बुरा क्यों कहते थे? माने गांव में है कि हम लोगों के समाज में महिला बाहर नहीं निकलती जी, और ये बाहर निकलने लगी, चौक चौराहा जाने लगी, ब्लॉक जाने लगी जी, तो वहाँ से लोग शिकायत करते थे और हमारे पिताजी भी बिगड़ते थे कि भाई ये जाती है, हम बदनाम होता है, शिकायत होती है जी, और गांव के लोग भी शिकायत करते थे जी। माने इतना शिकायत किए कि वो लोग हमसे संबंध खत्म कर लिए। अच्छा, साइकिल चलाने पर? साइकिल चलाने के कारण। तो आप इन्हें आकर कुछ कहते थे रोकने के लिए कि आपने इनका साथ निभाया? उस समय तो हमको बुरा लगता था इसलिए इनको रोकते थे, रोकते थे, लेकिन ये कहते थे कि अभी आप रोक रहे हैं जी, जब अच्छा आपको लगेगा तब साथ दीजिएगा जी, हम काम करने दीजिए, काम कोई बुरा नहीं है। तो हम भी कुछ ढील लेते थे, ढील लेते
ढील देते थे जी, लेकिन जब काम इनका बढ़ने लगा जी और गरीब महिलाओं में जाकर इनका बैठ हुआ, अच्छा वो लोग इज्जत देने लगे तो हमको भी अच्छा लगने लगा, तो हम इनके साथ हो गए जी और काम बढ़ते गया। अभी तो आप बिल्कुल शांत हो गए हैं ऐसा ना करें आप सुनिए इनकी ऐसी कोई खास बात बताएं जो आपको बहुत पसंद है। ये झूठ नहीं बोलती है जी, सबसे बड़ी बात यह है जी, कोई बात छिपाती नहीं है। आप अगर यहाँ कहीं कोई गांव में कुछ कह भी देता है अच्छा या बुरा, वो हमको डायरेक्ट कहती है जी, जो हमको अच्छा लगता है। और बुरा क्या लगता है? बुरा यही लगता है कि ज्यादा बोल जाती है किसान चाची ने न केवल किसानों में नई ऊर्जा का संचालन किया बल्कि महिला किसानों को भी उनका हक दिलाया। कहते हैं एक औरत जब कुछ ठान लेती है तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति और हम बात कर रहे हैं हमारी प्यारी सी किसान चाची से। अच्छा, आप नाम नहीं लेती हैं इनका जी, लेकिन आप कुछ हमारे कहने पर तो कर सकती हैं उनके लिए। नाम तो नहीं लेंगे। नाम मत लीजिएगा, कोई भी अच्छा सा लोक गीत सुना दें आप हमें। ठीक है। रामे रामे ओ रामे अपने हुए ना, रामे हमरा के जाए दो झूमर खेले ना, रामे हमरा के जाए दो झूमर खेले ना। क्या बात। अच्छा, अभी आपको कुछ खास याद आ रहा है जो आपकी आंखें नम हो गई हैं? क्या याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है कि जिस समय हम अचार का काम किए 150-200 रुपया से जी, उस समय अचार बनाते थे तो झोला में अचार का 50 ग्राम 100 ग्राम का पुड़िया बना करके लेकर जाते थे, अचार बेचते थे। तो इनको भी खराब लगता था, बेटा को भी खराब लगता था। बेटा कहता था कि पिताजी मम्मी को रोकिए ना, साइकिल पर अचार धर लेती है। आ लोग कहता है कि अचार है चाची, अचार है, तो रोटे रोटे अचार देती है। तो 150-200 रुपया से आज कहाँ से कहाँ काम बढ़ गया और ये लोग हमको अब मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस समय कठिनाई था उस समय हम अकेला उस कठिनाई को अपना सामना किए, उस समय हमारा कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। आपको ऐसा लगता है कि जितनी मुश्किलों का इन्होंने सामना किया या जो इन्होंने सोचा कि मैं अब ये करती हूँ, मैं खेती में आपका साथ निभाती हूँ या पहली किसान महिला बनती हूँ या फिर साइकिल चलाकर घर घर अचार बेचती हूँ, ये अगर सब ना हुआ होता तो आज आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी बिल्कुल कुछ अलग होती? जो हमारी परिवार की स्थिति है इस समय, चाहे जो हम हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं, इनके द्वारा ही पहुँचे हैं जी, तो इनका तो हमारे परिवार पर बहुत बहुत उपकार है जो हमारे घर में आई और लक्ष्मी रूप में आई। तो ये जो इनके चेहरे पे एक हल्की सी शिकन है, एक हल्की सी आपके प्रति शायद नाराजगी, कहीं पहले की होगी अब तो नहीं होगी? इनसे हम नाराज नहीं उस समय जो हमारा दिल खराब, हाँ कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन हमको 3 बच्चे थे, उसके लिए गरीबी था, इसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए सोचे और हमारा कभी भी नज़र पीछे नहीं आया, हम हमेशा आगे के तरह। आज भी हमारा देह इतना चलता है, माने हम काम करने के लिए फुर्तीली, जो भी काम है एकदम फुर्ती से करते हैं। अब जाता ये हो जाए, ये हो जाए, हम बोलते तो बहुत जी, माने हमारा काम बहुत है, बार बार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जाना भी है। तो हम अपने परिवार पर पूरा सब माने दिमाग में होता है कि हम आए तो ये बाकी न रहे, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, ना हुआ तो फिर बोले फिर करने लगे, इसलिए हम बोलते ज्यादे हैं। अब जैसे बोले, खराब बात नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हम ज्यादे हैं और काम भी करते हैं ज्यादा। बिल्कुल, आप काम भी करती हैं, आप बोलती भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अच्छा बोलती हैं, आप मुझे बोलने भी नहीं देती हमको दिमाग में रहता है कि जितना बात है पहले हम ही कह लेते हैं तब आप कहिएगा जी चले बट सही मायने में कहना चाहूंगी दिल से कि अच्छा लगता है कि कोई अपने बलबूते पर, अपने दम पर अकेले एक अपना मुकाम बनाए और अपने साथ अपने परिवार को खड़ा करे। सही मायने में आप किसान चाची हमारी स्त्री शक्ति।
वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे एक और खास मेहमान से। कहीं भी मत जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति। अब हमारी बहुत प्यारी सी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी। चले जी। मेरा नाम रेनू है। मैं इन दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा प्रणाम आप दोनों को। पहले टाइम में महिला किसानों को कुछ समझता नहीं था, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया है उस बारे में? बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में 533 ब्लॉक है, उसमें सिर्फ महिला कृषक हम ही है। 50% आरक्षण हुआ, हम महिला को जागरूक किए, महिला लोग समझी, तो बहुत सी महिला हो गए, तो उनको हम जागरूक किए और महिला कृषक के रूप में वो काम की, बहुत सी महिला 50% महिला आ गई है कृषि में। तो महिलाओं को क्या यंत्र भी दिए जाते हैं? महिला को यंत्र भी दिया जाता है। महिला को यंत्र देने से यही होता है कि उस सही से समय समय से अपना काम करना, उसका जानकारी रखना, सब कुछ महिला खेती से संबंधित काम करती है। जी शुक्रिया, थैंक यू जी। और कोई सवाल? जी आपका नाम? मुकेश। नमस्कार मैडम। नमस्कार दादा। आजकल किसान खुदकुशी बहुत कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल इन्होंने पूछा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा ये। जी क्या कहना चाहेंगे आप? किसान लोग जो खेती करते हैं बैंक से कृषि लोन लेकर के, उस खेती को करने से उस साल घाटा जैसे हो जाता है, खेती प्रकृति के देन से मारे पड़ जाता है, तो किसान को तो घाटा हो गया। तो इसलिए किसान को होता है कि हम लोन लिए कैसे हमारा कर्ज सधेगा, कैसे हमारा परिवार का पालन पोषण होगा, इसलिए बेचैन हो जाते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन इस पर सरकार का भी देख रेख होना चाहिए, कि कृषि लोन जो है उस पर 12.5% ब्याज रखे हुए हैं जी, तो उस पर उनको कम करना चाहिए। और किसान को भी जागरूक होना चाहिए कि जो भी खेती है उसमें प्रोसेसिंग का काम होना चाहिए, जो खेती किसान कर रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग करे, और खेती के साथ साथ जैसे गाय पालन हो, मछली पालन हो, जैसे सामूहिक समेकित खेती लोग कहते हैं कि समेकित खेती करने से क्या होता है, एक खेती मारे पड़ गया तो और नौ समेकित खेती में और खेती आपको सही रहेगा। जैसे मछली पालन आप कर रहे हैं, जमीन ज़्यादा है तो मछली पालन, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मछली में भी घाटा लग जाएगा। गौ पालन हुआ, उसके अलावा उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाइए, मार्केट में 10 रुपये किलो वो बिक रहा है, हर आदमी जैविक खेती करने के लिए माने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि डाई यूरिया ये सब का जो सब्जी होता है को भी लाइएगा, कल मरक करके माने गीला गीला जैसा कोभी हो जाता है, जैविक को भी आप उपजाइए, 10 रोज अपने घर में रखिएगा तो भी कोभी नहीं खराब होगा। और रासायनिक खेती करने से आपका कोभी आज खेत में है तैयार हो गया है, आज नहीं काटिएगा तो कल वो बर्बाद हो जाएगा, बाकी जैविक खेती करने से कोई बर्बाद नहीं होगा। कोई काम जो भी किसान करे स्थिर से, ऐसा नहीं जो आज की ये कल मुनाफा जल्दी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, उसके लिए धैर्य रह करके करना होगा। और सरकार को थोड़ा कृषि लोन में रेट उनको ब्याज कम करना होगा, तब किसान के लिए बहुत अच्छा समझ। हाँ। किसान चाची को हम लोग खासतौर पे हमारे जो किसान भाई और बहन जो हिम्मत हार जाते हैं और कई बार लगता है कि नुकसान हो गया, तो उस नुकसान में भी आप किस तरह से अपना कुछ छोटा छोटा मुनाफा देखें, जैसे आपने बाकी तरह की फार्मिंग की, प्रोसेसिंग की, जो आपने बातें बताई हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो जिनके ये बहुत काम की चीज़ें हैं, और जो वैसे भी शायद अपने भाइयों और बहनों को ये बता सकते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो परसेंटेजेस जो है ये सब कम करे, तो मुझे लगता है बहुत सबसे बड़ा चीज़ है कि किसान डायरी नहीं लिखते हैं। डायरी जो आमदनी खर्च का हिसाब नहीं रखते हैं, वो रखेंगे तो उनको जब तक डायरी नहीं लिखेंगे जी तब तक उनको लगेगा नहीं कि किसने कितना लागत लगाया, कितना खर्चा किया, कितना इसमें मुनाफा। आप कह रहे हैं कि हिसाब किताब रखते नहीं? रखते नहीं। अच्छा, वो सिर्फ खर्चा करना जानते हैं, खर्चा कर दिए खेती में, और जब देखते हैं कि रिटर्निंग नहीं आया तो आत्महत्या करना पड़ता है उनको। कितने दुख की बात है कि जो इंसान हमें खाना देता है उसे ही अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत दुख और बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। आइए देखते हैं ये वीडियो। तेरी जान लेके मैंने ली, तेरी
जलाए कड़ी धूप में, मेरे भूख की रक्षा तू करे, पर तू खुद मरे भूख से. You're the hand that feeds this land. I don't understand. अब मैं क्या करूं? Now I've got blood on my hands. It wasn't my plan. ये सुसाइड जब बाहर होता है तो कोई सोचता नहीं कि हाँ ठीक है, पुअर फार्मर्स, सैड, बुरा लगता है. बट जब अपने घर में होता है सुसाइड, अगर हो गया तो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है जब अपने मम्मी और डैडी खुद सुसाइड करें, तो अपने घर में क्या होगा, उस किसान के बच्चे के लाइफ में क्या हो रहा है. देवा रे देवा, गणपति देवा, और ये जो हो रहा है इंसाफ, जो जय जवान जय किसान उनको प्रॉमिस किया हुआ है, वो हम देश ने ही प्रॉमिस किया है. तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं हम. I was born rich, और तू है born poor. Would I take your place? I'm not so sure. पर मैं भी हूँ इंसान, who I have mom. Maybe make it up to you someday. It could have been my mom and dad. It's really sad. Ki wada tha tumse. Jai jawan aur jai kisan. Ab kya bolu mere aansu se. To kisan chachi ko main badhai dena chahta hu, kyunki mujhe pata nahi tha ki jab ye kisanon ke liye jo tools rehte hain, hal wal rehte hain, wo sirf आदमियों को दिया जाता है और लेडीज को नहीं दिया जाता है, और उन्होंने ये चेंज किया है. तो किसान चाची को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप किसानों की रॉक स्टार हो. मेरी जान लेके मैंने ली मेरे देश की ईमान. स्त्री शक्ति, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति. अब वक्त है आज के सवाल का. हमारा आज का सवाल है, किसान चाची का असली नाम क्या है. आप अपने जवाब streeshaktipost@gmail.com पर भेजें. हमारे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है, रजी बेन की संस्था का नाम सेवा है, और हमारे विजेता हैं रवि जायसवाल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से. अब हमारे पास आप दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज. मेरी मम्मी बहुत परिश्रम से हम लोगों को इतने आगे तक ले आई हैं. बहुत नीचे स्तर से हम लोगों का विकास हुआ है. वो जो मेरी माँ है, उनके जैसे हर आदमी को माँ मिले. वो खुद नहीं खाती थी, हम लोग खिलाती थी, ये सब उन्हीं का देन है. ये कहिए कि हम लोग के लिए वो भगवान ही है. महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबब है और वो एक मिसाल है महिलाओं के लिए. उनको देखकर हर महिलाओं को ये सबब लेना चाहिए कि उन्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने हर एक फर्ज को अदा करना चाहिए. अच्छा, इतना सारा प्यार, इतना सारा आपको इज्जत आपके बच्चे देते हैं, इतने प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए. कुछ दिल में तमन्ना रह गई या कुछ सपना, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिश ऐसी रह गई जो भी पूरी करनी बाकी है? आदमी जब तक ले जिंदा रहता है तब तक ले सीखता है और सिखाता भी है. जी बिल्कुल. तो अभी तो ख्वाहिश हमको बहुत सी है जो काम करना. जी. तो किसानों के लिए, अपने लिए अभी बहुत से ऐसा है जो काम करना है. हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे आप जितनी और महिलाओं का संगठन उसे बढ़ाएं, उसे और सशक्त करें, ताकि आपकी तरह और बहुत सारे किसान महिलाएं, जिन्हें हम बहनें कह सकें या चाची कह सकें, वो हमारे बीच आएं. और शुक्रिया हमारी आज की स्त्री शक्ति बनने के लिए. शुक्रिया. तो ये था बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की हमारी साइकिल चाची का सफर. आपको पता है एक किसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? हमें से शायद सबको ये लगता है कि उसे हल चलाना आना चाहिए या खाद और बीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. वेल, ये सब तो आम बातें हैं. एक किसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा आशावादी होता है, चाहे जमीन बंजर हो या मौसम का प्रकोप हो.
वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। मैं दिव्या दत्ता आज का ये एपिसोड इस सोच में समाप्त करना चाहती हूँ कि हमें भी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन हमें उन मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना चाहिए। एक नई सुबह और एक नया कल हमारा इंतजार कर रहा है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही स्त्री शक्ति से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। शुभ बाय।